कॉन्ग्रेचुलेशन ले लो, आपके जितने भी 3 सॉन्ग अभी तक हमने रिलीज किए और उससे काफी अच्छा प्यार मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? वैसे मैं बोलना चाहता था, मैं बहुत खुश हूँ दैट मेरे पहले जो 3 गाने थे ब्लाइंडिंग लाइट, सुपरस्टिशियस, इजी ऑन मी, सब 3 मिलियन के ऊपर क्रॉस हुए। और मैं बहुत खुश हूँ दैट ये जो हम लोग का यस्टरडे गाना जो आज रिलीज हुआ है वो भी ऐसे ही हाइप में पहुंचे, और मैं सब लोग का ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे, और हमें ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ है। और फनी बैक स्टोरी बताता हूँ दैट ये जो गाना है कवर सॉन्ग यस्टरडे बीटल्स का, ये मेरे दादू ने बोला था मुझे अपने 9 गाने के कवर में डालने के लिए, और ये मेरे ग्रैंडफादर का मोस्ट आइकॉनिक, उनका मोस्ट फेवरेट गाना था, और वो हर समय बोलते दादू भाई आप मुझे सुना दो ये गाना, दादू को बहुत पसंद है ये गाना। और मैं बोलना चाहता हूँ दैट हम लोग ने ये गाने को ज़्यादा छेड़ा नहीं, क्योंकि ये गाना ऑलरेडी इतना ब्लॉकबस्टर है, इतना आइकॉनिक है, हम लोग ने अपने अपने हिसाब से एक फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा डाल दिया है, वायलिनिस्ट डाल दिया है, और सिंपल वे से हम लोग एक बैलेड सॉन्ग को हमने एक जनरल क्लासिकल सोल में बना दिया है, और मैं सब लोग का आशीर्वाद चाहता हूँ। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपने 4 साल की उम्र से अपने ग्रैंडफादर के साथ सिंगिंग स्टार्ट की थी, तो आज आप 13 साल के यंगेस्ट हम एक सिंगर बोल सकते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसी ब्लेसिंग्स मिली आपको ग्रैंडफादर से? देखिए मैं गाना शुरू किया जब मैं 2 साल का था, और मेरे दादू ने मुझे पहला सारेगामा सिखाया था, और जब से मैं जब मैं बड़ा हो रहा था तो दादू ने मुझे इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश वेस्टर्न गाने में, और पहला गाना जो मेरे लिस्ट में था वो था यस्टरडे बाय द बीटल्स जो आज रिलीज हुआ है, क्योंकि यस्टरडे एक इंग्लिश रॉक बैंड ने किया था बीटल्स ने, वो 1965 में रिलीज हुआ था, और ये एक जनरल मॉन्टेनेन बैलेड गाना है और बहुत ही प्रिय गाना है, और तब से दादू ने शुरू करवाया तो दादू ने बोला था ये 9 गाने शुरू करने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग का ब्लेसिंग चाहिए मुझे, दादू के ब्लेसिंग हर समय रहेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपकी काफ़ी अच्छी शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही है, और हम देख सकते हैं कि आपने काफ़ी अच्छे गाने भी गाए हैं, आगे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में हमें कुछ आप बता सकते हैं? मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ ये मेरे 9 कवर्स में से ये 4th रिलीज गाना है जो आज रिलीज हुआ है, फिर 4th का मैं गाना भी बहुत अच्छा आपको सरप्राइज हिंट देना चाहता हूँ दैट वो एक गाना है बाय एड शीरन, आपको मालूम पड़ गया होगा कौन सा गाना है, बट बहुत ही अच्छा गाना है, उन्होंने मैशअप किया, और आप लोगों को सबको ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा। और इन 9 सॉन्ग्स में से आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं? इन 9 सॉन्ग में से मेरा जो रिलीज हुआ सबसे फेवरेट गाना है मेरा यस्टरडे बीटल्स, क्योंकि बहुत इमोशनल है और मेरा हार्ट को बहुत छूता है और बहुत ही सॉफ्ट गाना है, और मेरे ग्रैंडफादर का भी मोस्ट फेवरेट गाना था, और मुझे भी गाना बहुत अच्छा लगता है। इन गाने के अलावा जैसे हम देख सकते हैं कि हमने अभी आपका रिसेंटली एक प्रोमो देखा था जो आप बपीरा को ट्रिब्यूट देने वाले हैं, उसके बारे में आप हमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये फ्राइडे को मेरे ग्रैंडफादर का कमाल में डिस्को डांस इतना बड़ा हिट म्यूजिकल फिल्म हुआ था, उसको सुनील शेट्टी जी और सारे का वापस लेके आ रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, जो लंदन में प्रीमियर हुआ था, ब्लॉकबस्टर हुआ था, वो इंडिया में आ रहे हैं, मुंबई में, स्पेशली आमची मुंबई में NSCI डोम में ये फ्राइडे को प्रीमियर है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा, देखिएगा, झूमेंगे हम लोग के साथ, और ये रिक्रिएट करें दादू के गाने जैसे डिस्को डांस, अव्वा अव्वा, गोरो की ना गालो की, तो आपको मालूम है दादू के सारे गाने इतने ब्लॉकबस्टर, पूरे फिल्म में ऑल 7 सॉन्ग्स सबसे ब्लॉकबस्टर है, ये दिखाते थे मेरे दादू कितने वर्सेटाइल थे, हर जॉनर के गाने सब 1 सेकंड में बना देते थे और सब गाने हिट है, तो ये फ्राइडे को रिलीज होना है प्रीमियर। जैसे कि हमने देखा है वीडियो में डिस्को डांस के, कि आप भी थोड़ी बहुत रिहर्सल्स कर रहे थे वहाँ पे, तो आपने किस तरह के डांस रिहर्सल किए या कौन सा स्टेप आपको अच्छा लगा? देखिए मुझे सबसे अच्छा स्टेप लगा डिस्को डांस का जो मेन हुक स्टेप है जो हम लोग के जो डायरेक्टर साहब संजीव गोस्वामी ने किया, बहुत ही मजा आया, बहुत ही ग्रूवी स्टेप है, और आई एम श्योर दैट आप लोग भी बहुत पसंद आएगा वो स्टेप। ये सॉन्ग की जैसे हम देख सकते हैं कि 4th सॉन्ग अभी रिलीज हुआ है, तो हम वही देखना चाहेंगे कि जो आपके दर्शक है आपको काफी सारा प्यार है, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके दर्शकों को? मैं बोलना चाहता था थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना लव कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे हर गाने को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये गाने को व्यू कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।